हेलो स्टूडेंट्स, देखो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत रेडिएशन के बारे में पढ़ा था, रेंज डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था, कुछ टर्म्स डिफाइन की थी हमने, एमिसिविटी वगैरह, एमिसिव पावर, ये सब ठीक है। अब यहाँ पर हम और एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं, स्टीफन्स लॉ, ठीक है ना। स्टीफन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बिहाव पर। फिर से क्या कह रहा हूँ मैं, एक्सपेरिमेंट्स के बिहाव पर, ऐसा नहीं कि कोई डेरिवेशन करके उन्होंने बताया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बिहाव पर एक फॉर्मूला दिया कि भाई ऐसा ऐसा मेरे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, उन्होंने कहा डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, एनर्जी थर्मल पावर ऑफ अ बॉडी, थर्मल पावर एमिटेड बाय द बॉडी, थर्मल पावर एमिटेड इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी पावर 4। ऐसा अब यहां पर ई क्या है, एमिसिविटी ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी एमिट कर रही है, ठीक है ना, जो बॉडी एमिट कर रही है उस बॉडी की एमिसिविटी, ए क्या है उसका सरफेस एरिया, सिग्मा क्या है, सिग्मा इनके नाम पर कांस्टेंट है ना, है तो एक कांस्टेंट क्योंकि इन्होंने फॉर्मूला दिया तो इनके नाम पर रख दिया, स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है, उसकी वैल्यू अभी हम लिख देंगे। टी है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, है ना, सब मैं लिख दूंगा अभी, उसकी चिंता नहीं करें, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो है थर्मल पावर, ये तो एमिटेड हुआ, एमिट तो कर ही रहा है, लेकिन उसके आसपास जो सराउंडिंग है उससे जो एमिशन हो रहा है उसको रिसीव भी करेगा, तो थर्मल पावर रिसीव्ड, थर्मल पावर रिसीव्ड, वो रिसीव्ड कितना है, वो रिसीव्ड है ई ए सिग्मा टीएस पावर 4। ऐसे ठीक है, ई क्या है, फिर से एमिसिविटी ऑफ बॉडी। देखो ई आया क्यों यहां पर, वैसे तो यहां पर ए आना चाहिए, एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है, लेकिन वो जो एब्जॉर्प्टिव पावर है, हमने ये कहा था कि गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, ई इज इक्वल टू ए, तो इसलिए हमने यहाँ पर ई लिख दिया। ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा या उतना ही ज़्यादा एमिशन होगा। सिग्मा फिर से स्टीफन कॉन्स्टेंट, टी एस है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब एक और बात इसमें हमें ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज़ तो हम किस बॉडी की बात कर रहे हैं, ओपेक बॉडी की, और एक ऐसे बॉडी की जो हर जगह से कॉन्वेक्स है, ठीक है, तो हर जगह से कॉन्वेक्स होनी चाहिए बॉडी, अगर कहीं से उसमें कॉन्केविटी है तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। जैसे ये कोई बॉडी है इस तरह की, इसमें कॉन्केविटी है तो इसमें ये वैलिड नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यों वैलिड नहीं होगा, खुद ही इसने एमिट किया और खुद ही एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये इसके लिए वैलिड नहीं है। कौन से बॉडी के लिए वैलिड है, विच इज़ कॉन्वेक्स एवरीवेयर, हर जगह पर जो कॉन्वेक्स है बॉडी उसी के लिए ये वैलिड है। अब इन दोनों फॉर्मूले से हम और भी कुछ बातें कह सकते हैं, नेट गेन, नेट गेन कितना होगा, गेन के लिए रिसीव्ड माइनस एमिटेड कर दो तो ई ए सिग्मा टी एस पावर 4 माइनस टी पावर 4 ये आ जाएगा। और नेट लॉस की बात करें तो ई ए सिग्मा टी पावर 4 माइनस टी एस पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये चार फॉर्मूले हमें याद रखने, चार नहीं असल में तो एक ही फॉर्मूला, उसी को हमने अलग अलग तरह से लिखा है। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखा जा सकता है, नेट गेन लिख रहे हैं तो गेन से क्या होगा, जब हम हीट गेन करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा, तो टेम्परेचर राइज होगा तो इसको लिखा जा सकता है एम एस डी टी बाय डी टी, याद है आसन में, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं स्टीफन्स लॉ के, ठीक है, एक ही फॉर्मूले से हमने कई सारे फॉर्मूले बना दिए, मतलब याद रखने में तो एक ही याद रखना है, उससे हम सारे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनमें कुछ टर्म्स हम लिख लेते हैं, तो टर्म क्या है, सबसे पहले ई तो हम जानते हैं, ई इज इक्वल टू एमिसिविटी,
ई इज एमिसिविटी, ए इज इक्वल टू सरफेस एरिया, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 पावर माइनस 8। अच्छा, अब यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट हम जानना चाहते हैं, ये क्या है पावर, तो पावर मतलब वॉट, ठीक है, ई की कोई यूनिट नहीं होती, एरिया की मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर की केल्विन, ठीक है, ये स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू होगी। अब देखो ये बहुत गजब की वैल्यू है, अगर हमें ये सिग्मा की वैल्यू दे दी जाए तो हमें फॉर्मूला मिल गया, पावर चाहिए, पावर को मीटर स्क्वायर मतलब एरिया से मल्टीप्लाई करना है, के पावर 4 मतलब टी पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो पावर आ जाएगी। बस एमिसिविटी का पता इस फॉर्मूले से नहीं चल पाएगा, क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि एमिसिविटी क्या है, एक डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए हमें उसका इस फॉर्मूले से पता नहीं लग पाएगा, बाकी सबका पता लग जाएगा। टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है, उसके बाद टीएस क्या है, टीएस है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, दिस इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ और टर्म है जो हमें समझनी है, ठीक है ना, क्वेश्चन में वो कई बार यूज हो जाती हैं, तो एक है रेट ऑफ हीटिंग, रेट ऑफ हीटिंग, उसको हम कहते हैं डीटी बाय डीटी, किस रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कहा जाता है रेट ऑफ हीटिंग। उसके बाद है रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, वो है माइनस डी टी बाय डी टी, ऐसे में इसके बाद है रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस है माइनस डी क्यू बाय डी टी। बहुत ध्यान से पढ़ना है हमको क्वेश्चन में कि हमें रेट ऑफ कूलिंग पूछा है या रेट ऑफ हीट लॉस पूछा है, ठीक है ना, इसी तरह से रेट ऑफ हीट गेन इज इक्वल टू माइनस सॉरी इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, ऐसे में ये होगा। अब बात ये आती है, क्या बात है, देखो वहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला अभी हमने लिखा एम एस डी टी बाई डी टी से इक्वेट करके, तो मैं यहाँ पर उस फॉर्मूले को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ एम एस डी टी बाई डी टी, ये क्या है, रेट ऑफ हीट गेन, ठीक है ना, जितनी हीट गेन होगी उतना एम एस डी टी बाई डी टी होगा, और हीट गेन किसके बराबर है, ई ए सिग्मा टी एस पावर 4 माइनस टी पावर 4, ठीक है ना, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। अब यहाँ पर एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक हीट, मास टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा बॉडी का, इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट भी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, ये सब भी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन जो टेम्परेचर्स हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि सराउंडिंग बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है, उसका टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, लेकिन जो कैपिटल टी है बॉडी का टेम्परेचर है वो टाइम के साथ चेंज होगा, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि वो बॉडी का टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो डी टी बाई टी एस पावर 4 माइनस टी पावर 4 ऐसा लिखूंगा इज इक्वल टू ई ए सिग्मा अपॉन एम एस डी टी, ऐसा लिखेंगे। अब इनको इंटीग्रेट कर देंगे ऐसा, ठीक है ना, 0 टू टी और टी इनिशियल टू टी,
ऐसा कर देंगे। अब ऐसा कर तो दोगे लेकिन इसको करोगे कैसे, ये इंटीग्रेशन तो कोई होने वाला आसान तो है नहीं, ठीक है ना। तो क्योंकि ये इंटीग्रेशन आसान नहीं है इसलिए हम इस इंटीग्रेशन से आगे नहीं बढ़ सकते। इसको हम तभी कर सकते हैं जब हमें सराउंडिंग टेम्परेचर 0 केल्विन दिया हो। अगर हमें सराउंडिंग टेम्परेचर, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, हमें जब क्वेश्चन आएगा तो हमें सोचना पड़ेगा भाई स्टीफन्स लॉ लगाएं कि ना लगाएं। तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन है तब तो ये इंटीग्रेशन बड़े आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, कुछ और है, तो फिर ये इंटीग्रेशन हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल से हो पाएगा। और इवन वो जब इंटीग्रेशन हम कर भी लेंगे तो उसमें टेम्परेचर की कोई अलग से एक टर्म नहीं होगी, बहुत सारे जगह पर कैपिटल टी हमको दिखाई देगा, ऐसे में। तो टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम स्टीफन्स लॉ से लिखना सिर्फ तभी पॉसिबल, तभी आसान है, पॉसिबल तो खैर मैं नहीं कहूँ, पॉसिबल इम्पॉसिबल तो तभी आसान है जब सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन दिया हो। लेकिन अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन से कुछ और है तो फिर हम उसको हम आसानी से नहीं लिख पाते हैं, ऐसे में। तो ये हमने समझा। तो अब फिर क्या करें, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 है तब तो ये काम आ जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 नहीं है तो फिर क्या काम आएगा। तो फिर न्यूटन जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें एक अप्रोक्सीमेशन किया और अप्रोक्सीमेशन करके हमको बताया कि भाई इसको अप्रोक्सीमेशन कर लो तो ये बड़ा आसान हो जाएगा, ऐसे में। तो अब हम उस अप्रोक्सीमेशन को करने जा रहे हैं और उस अप्रोक्सीमेशन को कब किया जा सकता है ये भी जानेंगे और वो अप्रोक्सीमेशन क्या है वो भी जानेंगे, ऐसे में। नोट कर लो इसको पूरे को। अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या हुआ, न्यूटन जो है उन्होंने कहा कि भाई अगर अगर कंडीशन लगा रहे हैं, इफ सराउंडिंग टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है, कुछ सराउंडिंग है, सराउंडिंग का मतलब क्या, अच्छा कई लोगों के मन में आएगा भाई सराउंडिंग का मतलब क्या है, जैसे एक रूम है सपोज, तो रूम का कुछ टेम्परेचर है, ठीक है ना, उसको हमने कह दिया TS और उसमें कोई बॉडी रख दी जिसका टेम्परेचर है T, ठीक है, तो ये रूम क्या हो गया सराउंडिंग। अब रूम क्या है, बहुत बड़ा है, तो ऐसा तो है नहीं कि बॉडी के टेम्परेचर से रूम का टेम्परेचर बदल जाएगा, तो रूम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अच्छा अब बात यह है कि भाई न्यूटन ने क्या कहा, तो न्यूटन ने कहा कि देखो आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो MS dT/dt लिख रहे हो, ठीक है ना, नेट हीट रिसीव्ड, ठीक है, नेट थर्मल पावर रिसीव्ड इज इक्वल टू EA σ TS^4 - T^4। अच्छा जहां पर भी, देखो मैंने एक चीज कही थी, जहां पर भी टेम्परेचर आएगा हमेशा केल्विन में रखना है, लेकिन जहां डेल्टा टी आएगा वहां केल्विन सेल्सियस दोनों चल जाएंगे, तो ये जो dT है इसको केल्विन सेल्सियस दोनों में रखा जा सकता है, लेकिन इन दोनों को तो हमें केल्विन में ही रखना पड़ेगा। अब न्यूटन ने कहा कि भाई ये एक फॉर्मूला हम जानते हैं EA σ TS^2 TS + T or TS - T, ऐसा लिख दो MS dT/dt, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि भाई इसको ऐसे लिखो EA σ, क्योंकि T और TS ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो अब हम क्या करें, दोनों को एक में कन्वर्ट कर दें। तो अब दो ऑप्शन है हमारे पास, मैं TS को T लिखूं या T को TS लिखूं। अगर मैं TS को T लिख देता हूं तो मेरा काम आसान नहीं हुआ, फिर से T की पावर तो उतनी ही रह गई, कम नहीं हुई, तो मैं क्या लिखूंगा, T को TS लिख दूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा 2 TS^2 TS - T, ठीक है ना। हमने कंडीशन क्या लगाई है, T इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू TS, आज समझ में। जैसे मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन है और बॉडी का टेम्परेचर 310 केल्विन है, तो उस केस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 4 EA σ TS³ TS - T, ये क्या मिला मुझे, MS dT/dt। अब रेट ऑफ कूलिंग हमने किसको कहा था, -dT/dt को,
तो माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू 4 ई ए सिग्मा टी एस क्यूब अपॉन एम एस टी माइनस टी एस. दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है, और ये डेरिवेशन भी अगर हम याद रखें तो बहुत अच्छा होगा. ठीक है, दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ठीक है, और ये क्या है, रेट ऑफ कूलिंग. रेट ऑफ कूलिंग क्या है, माइनस डी टी बाई डी टी. माइनस डी टी बाई डी टी इज द रेट ऑफ कूलिंग. आगे समझ में, तो ये फॉर्मूला. अच्छा, अब इसमें क्या है, देखो ये वाला पोर्शन तो डेल्टा टी है, इसको हम सेल्सियस में केल्विन में दोनों में रख सकते हैं, लेकिन ये जो टी एस क्यूब है ये केल्विन में ही रखना है, इसको हम सेल्सियस में नहीं रख सकते. डी टी को सेल्सियस केल्विन दोनों में रखा जा सकता है. आगे समझ में. अच्छा, अब न्यूटन ने क्या कहा, इसी में एक और अप्रोक्सीमेशन किया. ये तो रेट ऑफ कूलिंग है एट टाइम टी, ठीक है ना. अब उन्होंने कहा कि इसका भी इसमें और आसान कर देते हैं, इसमें एवरेज रेट ऑफ कूलिंग भी निकाल देते हैं. तो एवरेज रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है 300 केल्विन और बॉडी का टेम्परेचर जो है 310 से 305 हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो रेट ऑफ कूलिंग है, इंस्टेंटेनियस रेट को भूल जाओ, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग सॉल्व कर लो और उससे काम कर लो, उससे कोई बहुत ज़्यादा एरर नहीं आएगी. आया समझ में. तो अब इसी में और एक अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं और उससे हमारे पास आएगा एवरेज रेट ऑफ कूलिंग. पहले इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे. अब देखो, अब है एवरेज रेट ऑफ कूलिंग. तो हमारे पास एक फॉर्मूला अभी बना, माइनस डी टी बाई डी टी 4 ई ए सिग्मा टी एस क्यूब अपॉन एम एस, ठीक है, इनटू टी माइनस टी एस. ठीक है, ये बना. ये तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कूलिंग है, लेकिन हम तो एवरेज चाहते हैं. तो एवरेज चाहते हैं तो इसमें वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कैपिटल टी है जो वेरी कर रहा है टी इनिशियल से टी फाइनल तक. तो हम इसका एवरेज ले लेंगे. तो माइनस डी टी बाई डी टी एवरेज इज इक्वल टू 4 ई ए सिग्मा टी एस क्यूब अपॉन एम एस. ठीक है, अब क्या करें, टी एवरेज. तो टी एवरेज कितना हो जाएगा, टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाय 2 माइनस टी एस. दिस इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ कूलिंग. तो अब क्या होता है कि कई बार हमें क्वेश्चन आता है तो वो मेंशन कर देते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएं, और कई बार मेंशन नहीं करते तो हमें सोचना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं. ठीक है, तो हम दोनों ही फॉर्मूले इसमें लगा सकते हैं. मतलब हमें कई बार सोचना पड़े, ऑप्शन को देखते हुए हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है. आज में कितने फॉर्मूले हो गए, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का फॉर्मूला, स्टीफन्स लॉ का फॉर्मूला, फिर न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला, फिर एवरेज रेट ऑफ कूलिंग. अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मालूम करना चाहते हैं किसी बॉडी का, तो उसको करते हैं. पहले इसको नोट कर लो. ठीक है, ये तो तीन अब ये फॉर्मूला अच्छे से देखो. इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं होने हो पाने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता. इसको याद कर लो, रट लो, जैसे रट सको बोल के लिख करके रट लो. इसको क्वेश्चन आएगा, इन्हीं तीन चार फॉर्मूले में से किसी पर आएगा और हमसे हो जाएगा. बहुत आसान क्वेश्चन आएगा. 10-20 क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो हमसे बड़े आसानी से वहाँ पर क्वेश्चन हो जाएंगे. आए समझ में. लेकिन अगर हमें फॉर्मूला ही याद नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो फॉर्मूला हमें अच्छे से याद रखना है. ठीक है, इसको नोट करो. फिर टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लाने की कोशिश करते हैं हम न्यूटन्स लॉ से. ठीक है, कोशिश क्या करते हैं, लाएंगे. बहुत आसान सा है, इसको नोट कर लो. तो अब हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला ले रहे हैं. तो न्यूटन्स फॉर्मूला है माइनस डी टी बाई डी टी
स्मॉल टी कैपिटल टी का बहुत ध्यान रखना है, इज इक्वल टू 4 ई ए सिग्मा टी एस पावर 4 अपॉन एम एस। ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब तो बदलने ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद क्या आना है, टी माइनस टी एस। असल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे को एक कांस्टेंट मान लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ सपोज एक्स, ठीक है ना। एक्स क्या है, एक कांस्टेंट है, ऐसा मैंने मान लिया। या सी रख दो, कांस्टेंट सी फॉर कांस्टेंट। तो डी टी अपॉन टी माइनस टी एस, क्योंकि हमें परेशानी क्या हुई थी जिसकी वजह से हम न्यूटन्स लॉ पे आए, हमें परेशानी हुई थी कि हम जो स्टीफन्स लॉ है उसमें हम टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैथमेटिकली वो बहुत मुश्किल इंटीग्रेशन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया और उससे हमें ये मिला। अब मैंने क्या है, इसका इंटीग्रेशन 0 to t और टी इनिशियल 2t, ऐसे में अब मैं इसका इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ ln टी माइनस टी एस टी इनिशियल टू टी इज इक्वल टू माइनस सी टी, ऐसे में दिस इज द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आ जाएगा ln टी माइनस टी एस अपॉन टी आई माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस सी टी, टी इज इक्वल टू टी एस प्लस टी आई माइनस टी एस, ठीक है, ई पावर माइनस सी टी, ठीक है। दिस इज द टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जिसका अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टी, टी इनिशियल टी फाइनल, ठीक है। तो शुरू में रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी, देखो रेट ऑफ कूलिंग किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। शुरू में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो कूलिंग तेजी से होगी, फास्ट होगा, रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होगा। धीरे धीरे डिफरेंस कम होते जाएगा, तो डिफरेंस कम होते जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज होते जाएगा। तो शुरू में टेम्परेचर चेंज होने का रेट ज़्यादा होगा और बाद में कम होते जाएगा, इस तरह का ग्राफ इसका बनेगा, ऐसा में ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने न्यूटन्स लॉ समझा, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। थ्योरी हमारी ऑलमोस्ट हो गई, तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो और एक बार चाहो तो सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लो, है ना, पॉज करके लिख लो, चाहे जैसे लिखना चाहो, फॉर्मूले एक बार समझ लो, है ना। मैं फिर से एक बार सब कुछ रिमाइंड करा देता हूँ, कैपिटल टी इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, स्मॉल टी टाइम है, ई एमिसिविटी है, ए एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी है, सिग्मा स्टीफन्स कॉन्स्टेंट है, टी एस सराउंडिंग का टेम्परेचर है, एम मास ऑफ बॉडी है, एस स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी है, ऐसे में ठीक है। तो ये सब बातें हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम ये सारे फॉर्मूले चाहें तो एक लिस्ट बना करके लिख लें, लिस्ट तो बनानी है, अभी बनाना चाहो तो अभी बना लो, और उसके बाद फिर फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन जब देखेंगे तो क्वेश्चन को हम फॉर्मूला देख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाद में हमें फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ऐसे में इसको नोट कर लो, फिर अब हम क्वेश्चन लेते हैं।